आज इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे करंट कंडक्शन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। मैं स्टार्ट कर रही हूँ करंट कंडक्शन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर से। जैसा कि आप जानते हो पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स की संख्या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होती है। इसे समझने के लिए हम एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर देखते हैं। दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। इस एनर्जी बैंड डायग्राम में मैं सिर्फ आप लोगों को चार्ज कैरियर्स शो कर रही हूं। करंट कंडक्शन इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू चार्ज कैरियर्स। आपको मैं अच्छे से पहले भी हम बता चुके हैं कि चार्ज कैरियर सेमीकंडक्टर में दो टाइप्स के होते हैं। पहला फ्री इलेक्ट्रॉन विच इज अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड और दूसरा होल्स विच इज अवेलेबल इन वैलेंस बैंड। कंडक्टिंग मटेरियल में केवल फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है एज अ चार्ज कैरियर, जबकि सेमीकंडक्टर में दो टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। एनर्जी बैंड डायग्राम में हम अगर इन चार्ज कैरियर्स को शो करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं कंडक्शन बैंड में, जबकि होल्स अवेलेबल होते हैं वैलेंस बैंड में। वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल से कम होता है, इसलिए एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब हम इंक्रीमेंटिंग साइड में हम इंक्रीमेंटल ऑर्डर में लेते हैं तो आप देखोगे कि वैलेंस बैंड नीचे लोअर साइड में है जबकि कंडक्शन बैंड अपर साइड में है। और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है उसे हम कहते हैं एनर्जी गैप, EG, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, तो इस तरीके से करंट कंडक्शन समझने के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम में मैंने सिर्फ चार्ज कैरियर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स शो किया है। एक बात आपको बता दूं कि वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। करंट कंडक्शन में सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, ये जो रेड डॉट्स मैं दिखा रही हूँ ये हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स जो सबसे बाहरी ऑर्बिट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन जब तक कि वो ऑर्बिट में अवेलेबल है वो एटम का हिस्सा है और वो फ्री नहीं होने के कारण ये जो रेड डॉट से मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शो किया है मैंने वैलेंस बैंड में, ये करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसलिए करंट कंडक्शन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर समझने के लिए जब हम एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इस एनर्जी बैंड डायग्राम में हम केवल चार्ज कैरियर शो करेंगे। और चार्ज कैरियर कौन कौन से हैं? एक है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होता है और दूसरा है होल्स जो कि वैलेंस बैंड में अवेलेबल होता है। सो दिस इज अबाउट द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमी कंडक्टर इन विच टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड होल्स इन वैलेंस बैंड अवेलेबल है, जिसके जरिए करंट कंडक्शन हम स्टडी करेंगे इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ व्हेन द एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ वोल्टेज इज गिवन टू द पी टाइप सेमीकंडक्टर देन द मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं। मेजॉरिटी कैरियर्स और माइनॉरिटी कैरियर्स दो कॉन्सेप्ट है, तो नंबर ऑफ होल्स की संख्या पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से अधिक होने की वजह से हम किसे कहते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, होल्स को इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब आप यहां ध्यान से देखिए कि
जब बैटरी के पॉजिटिव से पी टाइप सेमीकंडक्टर के इस टर्मिनल को कनेक्ट किया तो ये वाला जो हिस्सा है लेफ्ट साइड का हिस्सा ये हो गया पॉजिटिव। पी टाइप सेमीकंडक्टर का लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है ये हो गया पॉजिटिव और राइट साइड का जो हिस्सा है ये हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि पी टाइप से मटेरियल पी टाइप सेमीकंडक्टर का ये राइट साइड का हिस्सा इस डायग्राम में ये कनेक्टेड है इससे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट होने की वजह से आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो राइट साइड का हिस्सा है वो हो गया नेगेटिव। अब हम चार्ज कैरियर्स को देखेंगे। होल्स आर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स जो कि शिफ्ट होंगे नेगेटिव की तरफ, है ना। ये जो होल्स हैं ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, सो दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। वहीं पर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये मूव करेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ बैटरी की तरफ, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर माइनॉरिटी कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, दे विल बी अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी एंड द होल्स विल बी अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ बैटरी। और इस तरीके से इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से करंट कंडक्शन पॉसिबल होगा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट है टोटल करंट, दैट विल बी द सम ऑफ करंट ड्यू टू होल्स एंड द करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जबकि इस आउटर एरिया में जो कि टर्मिनल है और करंट कंडक्शन इन कंडक्टिंग वायर, इस कंडक्टिंग वायर में केवल करंट किसकी वजह से होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जबकि सेमीकंडक्टर के अंदर करंट कंडक्शन होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से। अब इस बैटरी से जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिनेट होंगे और मूव करेंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मैं आपको शो कर दूं, यहां पर ये जो मैं एरो मार्क बताया है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट का है, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का है। जबकि करंट कंडक्शन का जो डायरेक्शन है वो ये है। आपको पता होना चाहिए कि कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का डायरेक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हम लेते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर के डायरेक्शन को, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन जो होता है चूंकि वो होल्स के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में या पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो हमेशा करंट का डायरेक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिनेट होंगे और कंडक्टिंग वायर के जरिए ये मूव करते हुए कहां एंटर करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। पी टाइप सेमीकंडक्टर में बैटरी के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से इसके अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन फोर्स लगता है जबकि होल्स को अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और होल्स शिफ्ट होते हैं नेगेटिव टर्मिनल की तरफ में जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ में। तो इस तरीके से करंट कंडक्शन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉसिबल। नाउ वी विल मूव टू द एन टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ वी विल स्टडी करंट कंडक्शन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। उसे समझ एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि अवेलेबल हैं कंडक्शन बैंड में। और ऐसा क्यों है, क्योंकि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, जिसकी वजह से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है कंडक्शन बैंड में और नंबर ऑफ होल्स की
कम होते हैं, लेस नंबर ऑफ होल्स होते हैं वैलेंस बैंड में. सो दिस इज अबाउट द एनर्जी बैंड डायग्राम इन एन टाइप सेमीकंडक्टर. इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इंडिकेट किया जाता है और वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल कम होता है, कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल ज्यादा होता है और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने की वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है कंडक्शन बैंड में, जबकि नंबर ऑफ होल्स की संख्या कम होती है वैलेंस बैंड में. इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जबकि होल्स को कहते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. सो ये है एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर. अब इसके जरिए हम समझेंगे करंट कंडक्शन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर. इसे समझने के लिए पहले हम देखते हैं डायग्राम, जो कि यहाँ पे कनेक्शन डायग्राम आपको दिखाया गया है. दिस इज द एन टाइप मटेरियल और एन टाइप सेमीकंडक्टर. यहाँ ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है. करंट कंडक्शन समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ चार्ज कैरियर्स को सेमीकंडक्टर के अंदर शो किया गया है, क्योंकि ना ही आयन पार्टिसिपेट करते हैं ना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं करंट कंडक्शन में. करंट कंडक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पार्टिसिपेट करते हैं होल्स. तो दो टाइप के चार्ज कैरियर्स अवेलेबल हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसे यहाँ पर इस डायग्राम में येलो बबल्स के जरिए दिखाया गया है, गोल्डन बबल्स के जरिए दिखाया गया है, जबकि होल्स को व्हाइट बबल्स के जरिए दिखाया गया है. आप देख सकते हो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक है जबकि नंबर ऑफ होल्स की संख्या कम है. हम करंट कंडक्शन समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ चार्ज कैरियर्स को ही समझेंगे, चार्ज कैरियर्स को ही लेंगे सेमीकंडक्टर के अंदर या एनर्जी बैंड डायग्राम में भी. एनर्जी बैंड डायग्राम जो कि आपने देखा, इसमें भी हमने सिर्फ और सिर्फ चार्ज कैरियर्स को ही शो किया था, ना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लिया था ना ही किसी आयंस को लिया था. ठीक है, तो अभी हम समझेंगे करंट कंडक्शन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर. आप यहाँ देख सकते हो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का ये जो राइट कंडक्टिंग टर्मिनल है, दिस इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जबकि एन टाइप मटेरियल का जो लेफ्ट साइड का जो कंडक्टिंग टर्मिनल है उसे कनेक्ट किया गया है किससे? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से. नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी सप्लाई करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स. कंडक्टिंग वायर्स के जरिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की तरफ. सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में जो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, वो इस नेगेटिव पोटेंशियल से रिपल होकर के पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट राइट टू लेफ्ट है. माने नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ है. ये मैंने जो डायरेक्शन बनाया है ये डायरेक्शन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का, जबकि होल्स का मूवमेंट जो है ये ब्लू एरो मार्क से आप देख रहे हैं. यहाँ पर ये ब्लू एरो मार्क से होल्स का मूवमेंट, क्योंकि होल्स पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, तो ये मूव करते हैं नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ, जो कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के. अब पूरा जब हम करंट कंडक्शन देखेंगे तो सेमी कंडक्टर के बाहर कंडक्टिंग वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को येलो एरो मार्क से दिखाया गया है, जो कि कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में. दिस रेड एरो मार्क इज द करंट डायरेक्शन. करंट का डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, ओरिजिनेट होता है और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पर टर्मिनेट होता है. ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है. कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होता है. यहाँ पर
येलो जो मार्क दिखाया गया, येलो एरो मार्क, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिनेट होते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, टर्मिनेट होते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर, जबकि करंट ओरिजिनेट होता है, करंट ओरिजिनेट होता है, जो करंट का डायरेक्शन है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक शो किया जाता है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ओरिजिनेट होगा और एन टाइप सेमी कंडक्टर मटेरियल से पास होते हुए वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर टर्मिनेट होता है। तो जब भी आप करंट कंडक्शन समझेंगे एन टाइप सेमी कंडक्टर या पी टाइप सेमी कंडक्टर पर, तो ये बात जानना जरूरी है कि करंट, चाहे वो एन टाइप सेमी कंडक्टर हो चाहे पी टाइप सेमी कंडक्टर हो, बैटरी से जब हम देखेंगे तो बैटरी के पॉजिटिव से ही करंट ओरिजिनेट होगा और बैटरी के नेगेटिव पर करंट टर्मिनेट होगा। जबकि सेमीकंडक्टर के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर जो होल्स का डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन को शो करता है, करंट के एक्चुअल डायरेक्शन को फॉलो करता है। तो इस तरीके से आज हमने देखा करंट कंडक्शन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड करंट कंडक्शन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। द थ्योरी ऑफ करंट कंडक्शन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज रिटन इन दिस पैराग्राफ। व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स लीव्स अ होल इन इट्स प्लेस, सम अदर इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक्स अवे फ्रॉम इट्स कोवेलेंट बॉन्ड एंड गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट्स होल। ये जो बातें हैं, ये बातें मैंने करंट कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपको बताया था। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जैसा कि करंट कंडक्शन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के तोड़ने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का पेयर जनरेट होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक कोवेलेंट बॉन्ड से दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ते हैं और होल्स शिफ्ट होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है करंट कंडक्शन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड करंट कंडक्शन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी वही कॉन्सेप्ट है। और ये ध्यान रखना है कि हमेशा करंट कंडक्शन जो है बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव पर टर्मिनेट होता है। तो दिस वॉज अबाउट द करंट कंडक्शन इन एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। थैंक यू ऑल।